देखिएगा संसद का काम है, देखिए संसद का सबसे बड़ा काम यही होता है कानून बनाना, ठीक है। अगर पूछेगा संसद का काम क्या है तो संसद का काम एक ही है, देश के लिए कानून बनाना, ठीक है। संसद का काम का देखेंगे तो जिस समय संसद चल रहा, ठीक है, तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिस समय संसद चल रहा हो उसका प्रत्येक कार्य दिवस अधिवेशन। सबसे पहले जो प्रश्न आता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में क्या होता है, देखिए आपसे प्रश्नकाल में होता है क्या है सो पूछा जाता है, अब प्रश्नकाल कब से कब तक मतलब चलता सो पूछा जाता है, ठीक है। तो संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा, संसद का प्रारंभ लगभग 11 बजे से होती है, उसका जो पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे का समय, वो प्रश्नकाल पूछा। अगर कभी भी पूछेगा प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है तो क्या बताएंगे, कब से कब तक होता है तो क्या बताना है प्रश्न आपको, ठीक ग्यारह है। से बारह ग्यारह से बारह घंटा बजे तक संसद का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल कहलाता है। इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें जो भी संसद सदस्य जो होता है वो मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और इसका उत्तर कौन देंगे, संबंधित विभाग के मंत्री देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वित्त से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया तो वित्त मंत्री जो होंगे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। रक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया तो अगर रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री उस प्रश्न को उत्तर देंगे, अगर नहीं है तो हो सकता कोई दूसरा भी दे दे, लेकिन मतलब मुख्यतः मंत्री ही मतलब विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उत्तर देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आप चलते शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यकाल से कई बार प्रश्न पूछा है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, ठीक है, मतलब 12 बजे, मतलब क्या होती है 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त होती है, उसके बाद जो शुरू होगा शून्यकाल, ठीक है, 12 बजे शुरू होता है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न करने के लिए आपको सूचना देनी पड़ती है, आई थिंक 14 दिन पहले सा सूचना होता है, आई थिंक 14 दिन, 14 या 21, नहीं 14 दिन ही, ठीक है। और इसमें मतलब क्या होता है ना, इसमें प्रश्न काल में क्या होता है बिना किसी सूचना के, ठीक है, बिना किसी पूर्व सूचना के इसमें प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है, वस्तुतः तो ये भारतीय संसदीय व्यवस्था का विकसित किया गया एक नवाचार है। अगर पूछेगा शून्यकाल किस देश के संसद के द्वारा दिया गया तो क्या बताएंगे, भारत, ठीक है, भारत की ही देन है आपको शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल के बारे में, ठीक है, संसदीय, ठीक है, संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसकी कोई भी चर्चा नहीं की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शून्यकाल के बारे में संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम में चर्चा नहीं है, वस्तुतः यह भारतीय संसद व्यवस्था का विकसित किया गया एक नवाचार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और शून्यकाल मुख्यतः पेपर वगैरह इन सब में इन सब चीजों का नाम दिया गया, मीडिया के द्वारा जनरली दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो शून्यकाल कब से प्रारंभ होगा, समयकाल ध्यान में रखेंगे, कितने बजे शुरू होता है, प्रश्नकाल के कितने बजे तुरंत शुरू होता है बाद 12 शून्यकाल, बजे ठीक है, से 12 बजे से शुरू होता है, बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया। किस भारत देश की देन है शून्यकाल तो क्या बताएंगे, ध्यान से समझिए जरा, फिर बार बार ऐसा समझने की नहीं मौका मिलेगा, भारत की भारत देन है, सर ठीक है। ये भारत मतलब संसदों का की टर्मोलॉजी बहुत लोगों को नहीं समझा था, लेकिन आज आप लोगों को समझा के ही सांस लेने वाले, ठीक है। प्रश्नकाल कब से एक कब तक चीज और प्रारंभ होता सर, है, तो 11 से 12। इसका टाइम बड़ा है ना सर, 12 से 1 पहले और उसके बाद एक हाँ से सर दो वही हम कहना चाह रहे थे, उसका बड़ा है। टाइम पीरियड हाँ बड़ा बिल्कुल, है हाँ इसका समय आप सर बढ़ा दिया गया, बिल्कुल ठीक है, इसका समय आप बढ़ा दिया गया, ठीक है, सर। सुनिए ना चलिए सर, आप चलें। 11 बजे से जो है ना वो पूरा का मतलब आगे आगे कर दिया गया है, केवल एक एक सुनने के घंटा लिए बढ़ा उतना ही नहीं बढ़ा दिया है, गया 11 बजे है। वाला से ही बढ़ा है, थोड़ा उसको एक बार और देख ठीक है, लीजिए। हाँ 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 बढ़ाया गया, हम भी देखे थे न्यूज में, बढ़ा दिया गया ऐसा, ठीक है, चलिए तो 1-1 घंटा बढ़ जाएगा, तो देख लीजिएगा उस हिसाब से क्या है, लेकिन टर्मोलॉजी यही रहता है, ठीक है, पहला घंटा, और ये मतलब इसके बाद प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तरंकित प्रश्न होते हैं, अतरंकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखेंगे तरंकित प्रश्न क्या होता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है, ठीक है। आप देखें तरंकित प्रश्न में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देते, कैसे देते इसका उत्तर, मौखिक रूप बोल से करके उत्तर देते मौखिक हैं, रूप ठीक से है। पूछ इसमें आप काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे मंत्री जी ने कोई उत्तर दिया, सकते अगर आप उस उत्तर से सहमत नहीं है तो मंत्री से उसके रिलेटेड मतलब क्या कर सकते, काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। आप क्या अतरंकित प्रश्न कैसे होता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों पे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं होता, जो लिखित रूप से जो अतरंकित प्रश्न का उत्तर जो देगा मंत्री, इस पे आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि तारांकित प्रश्न कैसे देते हैं, ध्यान रखिए बताइए, तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, बोल के देते हैं या फिर लिख के देते हैं, बोल कैसे करके देते हैं, देंगे और बोल के देते मौखिक हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, बोल के देते हैं, और इसमें आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर प्रश्न सकते, भी क्लियर अनुपूरक कर प्रश्न पूछ सकते सकते हैं, हैं कि नहीं कर कर सकते, सकते पूछ हैं। सकते हैं, बिल्कुल। जबकि अतरंकित प्रश्न बोल के देते हैं मंत्री इसका उत्तर, या फिर लिख के देते हैं, कैसे देते हैं बताइए, लिखित रूप से दिया जाता है लिखित सर, और लिख के देते, तो और क्या इसका इसमें अनुपूरक रिप्लाई प्रश्न नहीं दिया पूछा जा जाता है, सकता है, रिप्लाई
बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया जाता, ठीक है, जिसको काउंटर क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। आप देखें अलग सूचना प्रश्न क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है, इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है, एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर प्रश्नकाल के तुरंत बाद दिया जाए। यहाँ पे मैंने कल बताया था, भाई साहब बताओ गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य कौन होगा? क्या गैर सरकारी के सदस्य के पास सरकारी नौकरी से संबंध नहीं? देखिए जो मिनिस्टर जो होंगे, ठीक है, जिस सरकार के जो मिनिस्टर जो होंगे सरकारी सदस्य होंगे। कौन होंगे? सरकार के मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? सरकारी सदस्य बोलेंगे, ठीक है। सरकार के जो मिनिस्टर नहीं होंगे, जो सरकार के मतलब क्या होंगे, पार्टी के सदस्य होंगे, उनको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, ठीक है। तो अतरंग ये अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर हमेशा के सरकारी सदस्य ही देंगे, गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछा जा सकता है इसका उत्तर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है, जो कि इंपोर्टेंट महत्व का कुछ प्रश्न हो, ठीक है, क्या होगा? इंपोर्टेंट महत्व का कुछ प्रश्न, इसको मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है, और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की भी मतलब विधिवत है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखेंगे तीनों प्रश्न याद हो गया, तरंगित अतरंगित और अल्प सूचना प्रश्न ध्यान में रखेंगे, क्लियर? आगे चले, चलिए प्रस्ताव की बात करेंगे, मोशन, ठीक है, संकल्प की बात करेंगे, उसको रेजुलेशन कहते हैं, जो कि अपना ग्रुप का नाम भी है, ठीक है। चलिए बात करें इसका अर्थ क्या होता है, प्रस्ताव का क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, रेजुलेशन ध्यान में रखें, मोशन रेजुलेशन क्या होता है संसद में वो देखेंगे। संसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है, ठीक है। संसद की कार्यवाही की बात करेंगे, विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है, अब कैसे कैसे होता है उसको देखेंगे। संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, संकल्प प्रस्ताव से भिन्न, संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, यह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है, जो कि प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है, प्राय इसे संकल्प कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर संकल्प में क्या क्या होता है, तो संकल्प में किसी मत का दृष्टिकोण, राय और उद्देश्य की प्रस्तुति, और यह उद्देश्य के प्रति सदन की सहमति व्यक्त करता है, ठीक है। तो चलो मतलब ये प्रस्ताव जो है संकल्प से मतलब क्या होगा, पारित हो गया, डेट मीन्स क्या से मतलब सभी लोग मतलब क्या है इसमें अपना राय देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सहमति व्यक्त करते हैं, उसको संकल्प कहते हैं। आप चलेंगे क्या, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन आपको समझना बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इसके पारित होने का आशय है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करेंगे, मंत्रिपरिषद की तरफ से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, डेट मीन समझा जाता है मतलब मंत्रिपरिषद को, डेट मीन सरकार को लोकसभा का समर्थन हासिल है। अगर विश्वास प्रस्ताव अगर नहीं पारित होगा तो समझा जाएगा मतलब लोकसभा का मतलब समर्थन, ठीक है, सरकार को नहीं हासिल है, ऐसे कंडीशन में सरकार गिर जाएगी, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए क्या चाहिए, तो वही मतलब चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होता है, ठीक है, टोटल प्लस वन होता है, जैसे 400 सीट है तो जिसके पास 201 सीट होगा उसका समझेंगे, उसके पक्ष में सरकार बनेगी, यही विश्वास प्रस्ताव है। अगर मान लीजिए तो ये आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मोशन होगा। दूसरा क्या, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद प्रस्तुत करेंगे ना, सर भाई साहब हम सबूत दे रहे थे मेरे पास क्या इतनी सीटें है, ठीक है, हम यहाँ पे लोकसभा में अपना सरकार बना के रख सकते हैं। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बात की, यह प्रस्ताव किसी विपक्षी दल के द्वारा ला सकते, किसी विपक्षी दल लाएगी, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी बताइए, ठीक पक्षी है, ध्यान में, दल कौन तो लाएगी, सर ठीक है, विपक्षी ईरान दल नहीं लाएगी, ठीक आएंगे, है, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आएगा, मंत्री सरकार के खिलाफ आएगा, किसके खिलाफ आएगा, सरकार के खिलाफ आएगा, ठीक है। यह के प्रस्ताव खिलाफ, किसी, हाँ बिल्कुल, यह प्रस्ताव किसी विपक्षी सदस्य के द्वारा, ठीक है, 50 सदस्यों, ठीक है, 50 सदस्य को अनुसमर्थन द्वारा सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव को क्या राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अविश्वास प्रस्ताव को क्या राज्यसभा प्रस्तुत कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। सरकार को कहाँ का बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए कि लोकसभा की बहुमत होना चाहिए, सिंपल प्रश्न, लोकसभा का लोकसभा बहुमत होना चाहिए, इसीलिए विश्वास या फिर अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा में लोकसभा करेंगे, में ठीक है। अब ध्यान में रखेंगे, अगर मान लीजिए क्या सीधे सीधे उठा के सवेरे सवेरे उठेंगे से चलो आज मोदी जी के सरकार गिनाना, सीधे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देंगे, नहीं, इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, उसके बाद क्या किया जाएगा, जब अनुसमर्थन जो किया जाएगा तो इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष आधार का होना आवश्यक नहीं है, लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में ना होकर लोकसभा के नियम है, क्या अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा में है, नहीं है, ठीक है,
सॉरी संविधान में नहीं है, ठीक है, कहाँ पे? तो लोकसभा के नियम 198 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों का अनुसमर्थन वाली पत्र को किसे सौंपा जाएगा? लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाएगा। जैसे 50 सदस्य लाना चाहेंगे तब मतलब लोकसभा स्पीकर बोलेगी, क्या बोलेगी? से भाई साहब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, सरकार को बोलेगी से आप मतलब क्या करें, तो आप मतलब हमें ये बताए, ठीक है, आप मतलब क्या करें, तो आप मतलब साबित करके बताएं से आपके पास क्या है, बहुमत है। तो फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को नहीं, मंत्रिपरिषद को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा से भाई साहब ये तो झूठा है मेरे पास, ठीक है, हाफ प्लस वन का मेजोरिटी है, ये रहा संसद की साइन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर ये साबित करने में हो गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, साबित अगर इन्होंने कर दिया तो उनकी सरकार बच जाएगी, अगर साबित नहीं किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, जो इस प्रक्रिया को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में किन की सरकार गिरे थी? तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई थिंक सबसे पहले गिर गई थी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ गिरने वाला पहला सरकार कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह की मोरारजी देसाई, कौन था, किनकी सरकार गिरी थी? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई नाम विश्वनाथ है, प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या है, हमको कंफ्यूज करते रहते हैं, हम तो सही थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सबसे पहले गिरी थी, ठीक है। वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार गिर गई थी, क्योंकि वो मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को मतलब झेल नहीं पाए थे, ठीक है, 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण, मोदी जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया है क्या? कई बार आया, लेकिन मोदी जी सशक्त है, पूर्ण बहुमत में है, ठीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चलेंगे निंदा प्रस्ताव, ठीक है, सेंसर मोशन, ठीक है, इनका क्या होता है निंदा कार्यकाल प्रस्ताव, बताएंगे सर, किसका कार्यकाल बताएंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह का 90 में थे, 90, 90 में सरकार गिरी थी, 88 से लेके आई थिंक 90 तक रहे होंगे, मुझे तो यही याद है, 79 88 89 के आसपास थे, 90 में सरकार गिर गई थी। मंडल कमीशन के ठीक है रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने, विंध्येश्वरी मंडल का रिपोर्ट जो था उसको लागू करवाया था 1990 में, जिसमें ओबीसी को दी गई थी 27% आरक्षण, ठीक है, मुख्यतः सरकार बचाने के लिए ही मतलब ओबीसी का समर्थन लेने के लिए ही इसको लागू किया गया, लेकिन फिर भी सरकार का मोए मोए हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेंसर क्या होता है, सेंसर मोशन क्या होता है, ध्यान में रखेंगे। तो निंदा प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों को समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है। ध्यान रखिएगा, निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत तौर पर लाया जाता है, ठीक है, कैसे लाएंगे व्यक्तिगत निंदा तौर प्रस्ताव, पर। कैसे लाएंगे? व्यक्तिगत तौर पर आता है किसी एक, ठीक है, विपक्ष के, ठीक है, ध्यान रखिए, लोकसभा विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा, ठीक है, पूरे विपक्ष के द्वारा नहीं, विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाएंगे, ठीक है, जबकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसके लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, विपक्ष लेकर आती है, ठीक है, सामान्यता, जबकि निंदा प्रस्ताव ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि किसके द्वारा, विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा, किसके खिलाफ लाएंगे विपक्ष के द्वारा, तो सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ अच्छा व्यक्तिगत रूप से, मंत्री के समूह के खिलाफ, या फिर पूरी पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही मतलब निंदा प्रस्ताव आ जाएगा, ठीक है। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, तो सरकार के उसके कार्यों एवं नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित की जाती है, उनका निंदा किया जाता है, ठीक है, हम आपकी निंदा करते हैं इस कार्य के लिए, ठीक है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता है, किंतु उस समय यह दबाव आ जाता है कि जल्दी जल्दी विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक है। अगर निंदा प्रस्ताव अगर पारित भी हो जाता तो भी मतलब मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता, लेकिन देवी जो अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगा, ये लोकसभा भंग भंग हो जाए, जाएगा, भंग भंग हो जाएगा, सरकार अरे भंग लोकसभा नहीं हो, होगा, मंत्रिपरिषद का पूरा भंग हो जाएगा, मंत्री फिर से बहुमत उनको साबित परिषद करना, होगा, लोकसभा कैसे भंग हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं तो नहीं मंत्री सरकार को परिषद भंग सरकार को होगा, मौका दोगे ना विश्वास प्रस्ताव अपना वो करने के लिए, कि सीधे रखिए। करके, ठीक है, सरकार को मौका देना पड़ेगा, से आप ये अविश्वास प्रस्ताव ये लगेगा, सरकार को बोलेगा तुम विश्वास प्रस्ताव पेश करो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, अगर सरकार अगर विश्वास प्रस्ताव अगर नहीं पेश कर पाई तो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिर जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। वाजपेयी जी के ऊपर जब ये प्रक्रिया अपनाने वाला था, वाजपेयी जी को शक हो गया था सरकार गिर जाएगी, तो वाजपेयी जी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और वाजपेयी जी ने कहा था, क्या कहा था, सरकारें आती रहेगी सरकारें जाती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ठीक है, उन्होंने बहुत स्मूथली पावर को मतलब क्या किया था, ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है।
चलिए आप चलेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, लिवरेज मोशन क्या होता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में तब प्रस्तुत किया जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने गलत तथ्य देकर संसद सदस्यों को विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। नेता तो झूठ बोलते ही हैं, उनका मतलब प्रकृति में ही है, ठीक है, झूठ बोलना। तो ये प्रस्ताव उस समय लाया जाएगा जब उन्हें लगेगा कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने गलत तथ्य देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का क्या किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्लियर। आप चले ध्यान आकर कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते। क्या होता है ये, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। आप बोलोगे अभी अभी आया क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, बिल्कुल आया। लोकसभा के सुरक्षा में, संसद के सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई, ठीक है। और सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी, रक्षा मंत्री की होगी या फिर गृह मंत्री की होगी, किसकी जिम्मेवारी सुरक्षा की। गृह मंत्री नाम बिल्कुल, देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री का है, ठीक है। और देश के बाहर सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी कौन सी मंत्रालय के अच्छा अधीन अच्छा आएगी, तो रक्षा अच्छा मंत्रालय के अधीन पे आएगी, ठीक है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मतलब लाया गया, बोला गया से तुरंत मतलब डिफेंस क्या उसमें प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को बोला गया, जबकि गृह मंत्री ने इनके संदर्भ में बोल ही दिया। तो मतलब इसके संदर्भ में किसी भी मिनिस्टर को मतलब ट्रैक करते बोलेंगे अध्यक्ष को, तो ये जो अवलंबनीय लोक महत्व का मामला है इस पे इस मिनिस्टर को मतलब क्या करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, मतलब कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैसा मामला पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, अविलंबनीय लोक महत्व का मामला होगा, ठीक है, जिसमें रुका नहीं जा सकता है, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी मतलब इन चीजों को मतलब वो करना है, इसके लिए क्या आता है, ये मामले आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसमें पर्यावरण या फिर विघटन ये के ऊपर आ सकता हाँ है। ये ध्यान में रखें, इस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या फिर किसी एक दिन को इसके लिए मतलब, ठीक है, या किसी और दिन भाषण के लिए समय मांग सकता है। भाई साहब हम प्रिपेयर नहीं है, हमको समय दे दीजिए, होमवर्क करके आएंगे फिर हम इसमें बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मंत्री का भी अधिकार होता है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं अब ये देना अब ये देना अब ये देना है, ऐसा नहीं कह सकते। मंत्री भी उसके लिए समय मांग सकता है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, ठीक है, एक दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, ठीक है, मांग सकता है, ठीक है। अब आते हैं स्थगन प्रस्ताव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में समझिएगा स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य अवलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन की चर्चा करने के लिए सदन को नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है, ठीक है। सदन के नियमित कार्यवाही को मतलब क्या करेगा, स्थगित पोस्टपोन करने की करेंगे, बात पोस्टपोन की जाएगी, ठीक है। ध्यान, पोस्टपोन नहीं बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पोस्टपोन करेंगे, एडजर्न होता है, पोस्टपोन का मतलब निलंबित समाप्त करना होता है, ठीक है। अब पोस्टपोन जो होता है लंबे समय के लिए हो जाए, एडजर्नमेंट होता है, ठीक है। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ पीठासीन अधिकारी की अनुमति से दोनों सदनों में पेश किया जाता है, तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। तो पक्ष भी ला सकता है या विपक्ष भी ला सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन के साथ पीठासीन अधिकारी की अनुमति से इसे दोनों सदनों में पेश किया जाता है। पीठासीन अधिकारी इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे मैंने सभापति और मतलब स्पीकर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे तो लोकसभा के जो अधिकारी की बात करेंगे, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा में क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, और सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष या सामान्य तौर पर स्पीकर बोला जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, लेकिन इसके लिए 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव की घोषणा कौन करेंगे, तो स्थगन प्रस्ताव की बात करेंगे कौन करेंगे, तो सभापति करेंगे, सभापति बोले पीठासीन अधिकारी करेंगे, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव कौन लाएगा, तो विपक्ष भी ला सकता है और पक्ष भी ला सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में समझ गए ना। चलिए समझ गए, तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे किसी मान लीजिए कोई मुद्दा पे बात चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए चले कोई बिल पे बात चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल पे चल रहा है सर टेलीग्राम को इंडिया से डिलीट करना चाहिए, ठीक है, सपोज दैट बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बिल हो सकता है, कोई आईटी बिल हो सकता है, कुछ भी ऐसा बिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुरंत मतलब कोई ऐसा मुद्दा आ गया जो कि एकदम ज्वलंत मुद्दा है, ठीक जी है, आप तो भाई इस बिल पे तो बात चले, तो इसको सडन रोके कैसे, लेकिन बात तो अभी देश में इस पे करना ना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आएगा स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव में इस पे बातें करने रोक देनी होगी, और इस पे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मैं पॉलिटी बता रहा हूँ, आप लोग भी स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, बोलेंगे नहीं हमको हिस्ट्री पढ़ना है, 28 लोग है, सबके सब तैयार हो जाएंगे, हमको भी बंद करके क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन एक आदमी बोलेंगे तो क्या ये होगा,
नहीं होगा, कम से कम कितने सदस्यों की अनुमति चाहिए? 50 सदस्यों की अनुमति, मतलब समझे। हाँ देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं कि मैं जी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीजें पे बात चल रही है, दूसरे चीजें पे अगर आपको ट्रांसफर करना, देन यू शुड गो विथ स्थगन पर प्रस्ताव, ये ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कैसे नाम हाँ देंगे? हाँ ये पीठासीन यहाँ पे हम ही है, ठीक है, इसीलिए इसको पोस्टपोन नहीं कहते, इसको अडजमेंट कहते हैं, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब समाप्त कर देना होता है, ठीक है। अडजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए रोक देना, नहीं बोलते द कोर्ट इज अडजर्न नाउ, ठीक है, टिल 4 o'clock, ठीक है, या फिर बोलते हैं द कोर्ट इज अडजर्न नाउ टिल सॉरी टिल मंडे, नहीं बोलते हैं। पोस्टपोन यूज करते हुए देखा है क्या किसी को? अंग्रेजी टर्मोलॉजी बहुत मैटर करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए एग्जाम में अडजॉर्नमेंट और जो अंग्रेजी में जो एग्जाम देते हैं पोस्टपोन रहेंगे तो अडजॉर्नमेंट को करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। आप होता है मोशन ऑफ थैंक्स, सारे निगेटिव प्रक्रिया के बारे में, धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है, ठीक है। अब बात के धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, तो लोकसभा प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समय अभिभाषण तैयार करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा? तो मंत्री परिषद तैयार करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करेंगे, राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विचार होता है? नहीं होता है। राष्ट्रपति की अभिभाषण जो होता है मंत्री परिषद का विचार होता है, उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं होता है, इसलिए मंत्री परिषद के द्वारा उनका अभिभाषण तैयार किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के कार्य निष्पादन या फिर भावी योजनाओं का जिक्र होता है। आप क्या बोलोगे सर, किसमें कार्य निष्पादन की बात होगी या कब मतलब भावी योजना सर की बात होगी? एक एक सेकेंड, मिनट, जो एक एक सेकंड रुकिए अभी, ठीक है, समझाने दीजिए इसको, बीच में मत बोलिए, ठीक है। तो किसमें मतलब राष्ट्रपति के निष्पादन की बात करें, कार्य का निष्पादन और भावी योजनाओं का जिक्र राष्ट्रपति जो करेंगे सरकार के। देखिए तो जब पहला सत्र की जब शुरुआत होगा ना लोकसभा का, संसद का सॉरी, तो उसमें बात करेंगे ना, भावी योजना की बात होगी, ठीक है, सरकार आगे क्या करने जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत होगी, उसमें भावी योजना, ठीक है। जब समाप्त, जब एक इंडिंग में भी एक अभिभाषण होता है, तो उसमें मतलब क्या करेगी सरकार ने कौन कौन से कार्यों को निपटा दिया इतने वर्षों में, उस पे जिक्र होगी, ठीक है। राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है सरकार के तरफ से दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका अभिभाषण जो होता है मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में दोनों सदनों में चर्चा होती है, ठीक है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, और मतदान भी होता है, यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में होती है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है, ठीक है, क्योंकि इसके पारित न होने का तत्पर्य सरकार ने अपना समर्थन खो दिया, क्योंकि आप अपनी योजनाओं को बता रहे हैं तो भाई साहब उसमें तो सहमति भी लोगों की होना चाहिए, इसलिए इसको पारित होना भी सरकार का मतलब क्या है, तो सरकार का मतलब समर्थन का एक हिस्सा। अगर सरकार, अगर ये पारित नहीं होगा धन्यवाद प्रस्ताव, तो सब डेट मीन सरकार ने अपना समर्थन खो दिया, हालांकि ये पारित हो ही जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बताइए आप क्या बोल रहे थे? सर, वो जो धन्यवाद प्रस्ताव है सर, मतलब ये लोकसभा के जो चुनाव होता है उसके उसकी मतलब स्टार्टिंग के टाइम आता है, और फिर वित्तीय वर्ष होगा उसी टाइम आएगा, और जो कोई भी धन्यवाद से बिल वगैरह, जो कोई बिल पास हो रहा है, तो उस टाइम ये नहीं आएगा धन्यवाद प्रस्ताव। 70 की बात हो रही है, ठीक है, 70 तीन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, और मतलब क्या होता है बजट सत्र, ये विंटर शीतकालीन सत्र, सत्र, ठीक है, वो तीनों सत्र हाँ में होता है, विंटर में, ठीक है, या फिर हाँ नवीन तीनों नवीन सत्र लोकसभा का, बनी, ठीक है, नया नया लोकसभा बनती तो वहां पर भी होता है, ठीक है, बिल तिल में ये नहीं आता, ठीक है, सत्र की बात हो रही है, नहीं ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान होगा। में रखेंगे। हाँ सब सत्र में, ठीक है, कि सारा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहला सत्र होता है कि शुरुआत, तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वित्तीय वर्ष की पहले सत्र की शुरुआत में इसकी मतलब शुरुआत होती है, ठीक है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? फरवरी मार्च, क्या अप्रैल होता है, होता है, अप्रैल से होता है, मार्च सर, तक बजट क्या होता का है, पहला वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल मार्च तक, ठीक है, मार्च अप्रैल होता है ना, तो उसी में होता है, ठीक है, इसी में शुरुआत अप्रैल से होता है, ठीक मार्च। है, ठीक है, मार्च अप्रैल का पहला हो गया। और संसद जब शुरू में जब आएगी, जब लोकसभा जब कार्य करना शुरू करेगी, तो उसमें होता है, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक लेकिन सर यहाँ पे है। बोला है ना कि राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन पर भी बोला है, मतलब अधिवेशन कब बैठता है? जब कोई बिल पास नहीं होता तभी ना बैठता है। तो जरूरी है क्या ऐसा, मतलब अभिभाषण उसी समय बैठेगा अधिवेशन, ये जरूरी है ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष, ठीक है, अभिभाषण देगा, ठीक है, मतलब अभिभाषण देने के लिए
राष्ट्रपति एक बार राज्यसभा में एक बार लोकसभा में नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये मतलब दोनों सत्र का अधिवेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन, उसके समक्ष मतलब अभिभाषण को मतलब अपना देंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं देंगे। इसलिए दोनों जगह से मतलब इसको दिया जाता है लोकसभा राज्यसभा में भी, अलग अलग नहीं दिया जाता लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं से बिल के क्षेत्र में ही मतलब राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का दूसरी बार राष्ट्रपति कभी भी संसद को संबोधित करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग राज्यसभा में एक बार लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, ठीक है, संसद को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास सर्वासर्वी राइट है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए, ठीक है, जब चाहेंगे तब बुलाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आके मतलब वो अपना संसद को कोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं से बिल के क्षेत्र में ही केवल संयुक्त अधिवेशन आएगा, राष्ट्रपति को जब कुछ कहना होगा, राष्ट्र को संबोधित करना होगा, वैसा कुछ मैटर होगा तो वैसे संदर्भ में भी आ सकता है, ठीक है। क्लोजर मोशन की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, समापन प्रस्ताव बोलते हैं। क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है। इसके लिए ज्यादा सटीक अनुवाद समापन प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा के बीच में ही रोकना है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोकना, संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है, ठीक है। तो समापन प्रस्ताव में कोई कोई चीज अगर चल रहा है तो उसी को मतलब बीच में रोकना पड़ेगा, ठीक है, इंटरप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसको रोक कर मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब विषय पे मतलब संबंधित विषय पे मतलब क्या करना पड़ेगा, तो प्रस्ताव करवा लेना पड़ेगा। इसको क्लोजर मोशन या फिर समापन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। अनियमित, ठीक है, अनियत दिन वाले प्रस्ताव क्या, तो यूए प्रस्ताव है जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए पर अभी चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई, ठीक है, मतलब फ्यूचर में इस पर बात किया जाएगा। अनियत से ही पता चल रहा है मतलब किसे, इसके लिए कोई डेट जो है क्या है फिक्स नहीं है से कब होगा, इसको क्या बोलते हैं, अनियत प्रस्ताव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो अनियत प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, ये सब संसद की टर्मोलॉजी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है। एक होता पॉइंट ऑर्डर होता है जिसको औचित्य प्रश्न कहते हैं, यदि यदि सदन कार्यवाही के संचालन में समान विषय हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, का पालन नहीं करती है तो सदस्य का औचित्य प्रश्न के बारे में सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मतलब, ठीक है, सदन का कोई रूल्स है, ठीक है, क्या है, सदन का कोई रूल्स है, लेकिन सदन उस रूल्स को नहीं फॉलो करे, खुद ही बनाए, खुद ही नहीं फॉलो करे, तो उसके प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाएगा। संविधान में निर्दिष्ट नियमों या सदन के कार्यवाही से, देखिए सदन किस तरीके से चलेगी, तो सदन का अपना नियम होता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी है जो कि संविधान में दिए गए हैं नियम, अगर उस नियम का पालन अगर सदन अगर नहीं करे तो औचित्य प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, सदन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, ठीक है। भाई साहब आप जो है नियम के तहत नहीं चल रहा है, ठीक है, ध्यान में फिर कब रखेंगे। चल आएगा सर? कोई भी ऐसा काम करेगा जो कि मतलब क्या है, कोई भी ऐसा काम करेगा जो कि मतलब संवैधानिक नहीं या फिर सदन के नियम के खिलाफ है तो ये आएगा। बात के नियम 377 क्या है, नियम 377 क्या है, तो ध्यान में रखेंगे। इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न के नहीं होते हैं तथा जिन्हें प्रश्नकाल, ठीक है, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जाता है, ठीक है। तो नियम 337 की बात, ये वे मामले उठाए जो औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें, औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, तो जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। मतलब ये अनक्लासिफाइड, कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो कि अनक्लासिफाइड है तो उसको इसके तहत उठाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। औचित्य प्रश्न नहीं होता, औचित्य प्रश्न समझ रहे हैं, समझ रहे, मतलब ऐसा प्रश्न जो सदन की संविधान कार्यवाही के या फिर पालन में आता संवैधानिक नहीं है, ठीक है, सदन की कार्यवाही या फिर संवैधानिक के अंतर्गत नहीं आता, उसको औचित्य प्रश्न कहते हैं। उसको 377 की तरह नियम उठा सकते हैं। नियम 377 किसका नियम है, तो नियम 77 संसद का नियम है, ठीक है, संसद के नियमावली में शामिल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके तहत ये प्रश्न पूछा जाता है जो कि न तो प्रश्न काल में है, न तो अल्पकालीन चर्चा में, न तो स्थगन प्रस्ताव में, किसी में भी नहीं है, ठीक है, और साथ में सदन के औचित्य प्रश्न भी नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब सदन के नियमावली में भी शामिल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं नियम से 377, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। आप क्या है, तो विशेष उल्लेख की बात करेंगे, स्पेशल मेंशन की बात करेंगे, क्या क्या है उसको भी जरा देखते हैं। क्या, तो देखें जिन प्रश्नों को लोकसभा के नियम 377 के अंतर्गत उठाया जा सकता है उन्हें ही राज्यसभा के विशेष उल्लेख का उल्लेख में उठाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा के लिए 377 है और राज्यसभा के लिए क्या विशेष उल्लेख है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इन सारे चीजों को देखने के बाद ध्यान में रखेंगे, विशेष उल्लेख किसके लिए, स्पेशल मेंशन की बात करें किसके लिए है, तो
377 के लिए, जो कि राज्यसभा लोकसभा में 377 और लोकसभा में क्या है तो स्पेशल मेंशन है, ठीक है। अब देखिए संविधान में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संविधान में क्या बात करेंगे तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात करेंगे, तो संविधान के अनुच्छेद 105 का समान संसदीय विशेषाधिकारों से आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है। संविधान संसद के पास संसदीय विशेषाधिकार किस आर्टिकल्स में है तो क्या बताएंगे, आर्टिकल्स का नाम बताइए, कौन सा आर्टिकल्स है, कौन सा अध्याय, अनुच्छेद 105 क्या है, अनुच्छेद 105 का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये अनुच्छेद मूलतः, ठीक है। मूलतः दो प्रकार का मतलब ध्यान रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट। ये मतलब किस प्रकार का है, ये 105 में दो आता है, एक 105 का एक आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दो का 105 का दो आता है, क्या आता है इसमें, तो व्यक्तिगत स्वतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। संसद के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी मुद्दे पे बात करने की स्वतंत्रता जो है संसद के पास है, ठीक है। अनुच्छेद 105 में क्या है, तो संसद का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, कार्यवाही जो चल रही है उसका प्रकाशन भी किया जा सकता है, इसलिए आप देखते होइएगा संसद की जो कार्यवाही चलती है बहुत मीडिया वगैरह उसको क्या करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, ठीक है। तो संसद की कार्यवाही गुप्त नहीं होती है, उसका प्रकाशन का अधिकार है, 105 के दो में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 105 के एक है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, संसद अगर एक दूसरे संसद को संसद के सदन के अंदर कूट भी दे तो बाहर में जाके उसके खिलाफ पुलिस केस नहीं हो सकता है। संसद अगर एक संसद को गाली अगर दे भी दे तो बाहर में जाके उसको डिफेम का केस नहीं हो सकता है। संसद अगर दूसरे संसद को दो चार थप्पड़ मार भी दे तो उसपे भी जाके बाहर में केस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब संसद के कार्यवाही जो अंदर में हो चुकी सदन के अंदर में, उसके खिलाफ आप बाहर में जाके किसी भी प्रक्रिया से आप गुजर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर संसद को सजा नहीं जितना मिलेगा क्या, बता बिल्कुल रही थी मिलेगा वो सर, गलत जितना बता रहे हैं ना उतना ही समझिए, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन बीच में मत किया कीजिए, नहीं तो म्यूट म्यूट करेंगे फिर खोलेंगे भी नहीं, ठीक है। किसी को मारेंगे गलत है कि सही नहीं वो आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पुलिस कार्रवाई नहीं होती, इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंतर्गत है। तो अब इसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सजा मिलेगा, क्या मिलेगा इसका तय मतलब कौन करेगा, तो अध्यक्ष तय करेंगे, कौन करेंगे, अध्यक्ष तय करेंगे। या तो उनको निलंबित कर सकते हैं, हमेशा के लिए हटा सकते हैं, सदन से निकाल सकते हैं, कुछ दिनों के लिए उनकी सदस्यता भी जा सकती है, या फिर हमेशा के लिए चली जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या होता है, जब सदन जब चल रहा है तो किसी भी मामलों के लिए उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तब सदन चल रहा था आई थिंक 40 दिन पहले, ठीक है, उनको किसी भी, जैसे सदन चलने वाला है, ठीक है, सत्र चलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उस सत्र के 40 दिन पहले आई थिंक कुछ दिन बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ठीक है, वो भी आपका आता है इसी में, ठीक है। जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो किसी को आता नहीं है, और उल्टा सीधा प्रश्न किसी को मारना है गलत है कि सही है, ठीक है। यहाँ पे संसद की बात चल रही है, बाहर की बात चल रही है, संसद को इन सारी चीजों से मतलब कि अभिव्यक्ति की, किसी संसद को देखे है तो दूसरा संसद पहला संसद के जाके बाहर में जाके केस कर दिया, सदन में जूता चलाया, गाली गलौज किया, ऐसा ऐसा बात बोलता है, लेकिन देखे किसी के खिलाफ केस होते हुए, नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, 17 के 40 दिन पहले और 17 के 40 दिन बाद। हाँ बिल्कुल वही, उसकी गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है, ठीक है। बता रहे हैं आम समझ रहे हैं, मिली चीजों को समझना नहीं तो मारना गलत है कि सही है, यही से उल्टा सीधा प्रश्न पूछना है। एक होता कलेक्टिव प्लीग्रीज, सर कि बीजेपी जब से बिहार में, तो उस समय आरजेडी वाला पिटाया था सर, उस पर केस हो गया था, तो कैसे हो गया था सर? कहाँ पे हो गया था अरे आरजेडी वाला पिटाया था, पब्लिक केस हो गया सर, था उसमें कुछ कार्यकर्ता की वजह से हुआ था, नेता संसद को, के एक सर नेता संसद के में बारे में पिटाया बोल रहे हैं ना, संसद के ऊपर, एक केस नहीं होता संसद है। दूसरे संसद के ऊपर, ठीक है, सदन में चली गई कार्यवाही के लिए, ठीक है, कभी भी केस नहीं कर सकता है, बाहर हुआ होगा तो हुआ होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ सर ऐसा कोई कुछ, नियम ही लेकिन नहीं है, ये अंदर, विधायिका लेकिन में भी अंदर नहीं, पुलिस उसको पीट सकता है, विधायक रहे सांसद रहे कुछ रहे, कोई पुलिस अंदर नहीं पीट पीटे, सकता गलत है बात, पुलिस, नहीं, एक संदर्भ कंस्ट्रक्टेड में पुलिस फॉर्म नहीं जा होता है, सकती ठीक है, है बिना सुनिए, ऑर्डर से। जो अंदर में अध्यक्ष पुलिस नहीं है, जा सकती एक है, मिनट, जो अध्यक्ष है उसके उसके उठा करके उसको फेंकवा सकती है, उसको पिटवा सकती है। अरे तो कस्टडियन होता है, पुलिस थोड़ी ना होता है वो, वही जो वहां तो, पे है, कस्टडियन होता है, हाँ, उसको पुलिस नहीं जो कहते वहां हैं, ठीक है, है, हाँ, तो अब बात संसद मैं की माफ करता रक्षा हूँ, में ठीक अभी है, ध्यान कौन है, रखेंगे, हाँ, संसद की अरे रक्षा अभी कौन कस्टेड थी, दिल्ली पुलिस पुलिस ही तो नहीं थी। बोलते हैं उसको, कस्टेडियन बोलते हैं, भले कुछ भी रहे, दिल्ली पुलिस रहे, यूपी पुलिस रहे, मतलब नहीं है, पुलिस शब्द का प्रयोग नहीं होता है वहां पे, ठीक है, वो कस्टेडियन होता है, क्या बोलते हैं उसको, और भी कुछ शब्द का प्रयोग किया और दूसरी बात, जाता जो अरेस्ट वाली है। बात है वो सिर्फ दीवानी में है, फौजदारी में अगर वो कर देता है, मर्डर कर देता है, तो अरेस्ट भी होगा 17 में भी।
हाँ तो वो ऐसा रहेगा, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा, मर्डर करेगा, यहाँ पे नहीं सामान्य नहीं बात की बोल रहे, मतलब ठीक है, किसी को अगर थप्पड़ आप मारना पर किसी क्रिमिनल तरह का चार्ज नहीं है क्या? नहीं हिंसा का नहीं केस थप्पड़ चलता है तो मारना, अरेस्ट हो सकते एक हैं। मिनट सुनिए, एक मिनट, थप्पड़ मारना क्रिमिनल चार्ज है कि नहीं है? नहीं अरेस्ट होगा थप्पड़ मारने में, ठीक है, थप्पड़ हिंसा का केस चलेगा तो अरेस्ट मार। हो, फौजदारी अब जघन्य फौजदारी अपराध मुकदमा की बात होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, जघन्य अपराध हो गया तो मैटर थोड़ी है, लेकिन थोड़ा मोटा थप्पड़ मारना भी हिंसा है, ठीक है, इस मामले में अरेस्ट नहीं होता। अब कोई जघन्य अपराध ही कर जाएगा, कोई जाकर बम फोड़ देगा तो कोई बात देखिए हुआ, मुकदमा दो वैसा तरह का होता है, दीवानी फौजदारी। सर। अगर फौजदारी हाँ होगा बिल्कुल अरेस्ट होगा। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें जघन्य अपराध के सिलसिला वैसा तो कुछ नियम बना नहीं है, सामान्य नियम, संसद के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है तो यही है, ठीक है, समझ गया ना? आपको जघन्य अपराध कर देगा, चार को जाके हत्या मार देते, जाके AK-47 से फायरिंग कर अंदर में देगा, तो वो सर ऐसा कुछ अंदर नहीं में है। अलाउ नहीं और ना है, लेकिन संसद, सदन के अंदर अलाउ नहीं ना। हाँ बिल्कुल, संसद जो चुन कर जाता है ना तो गधा नहीं होता है, ठीक है, कम से कम, कम से कम इतना बड़ा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो कम से कम सम्मानित जन तो होता है, तो उनसे इस चीज की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ठीक है, ये भी एक मैटर, ठीक है। चलिए आप चलेंगे सामूहिक विशेषाधिकार के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, सामान्य केस में विशेषाधिकार दिया जाता है, ठीक है, नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब वैसा जघन्य अपराध कोई कर दे तो भाई, तो उस तो उसके लिए तो बहुत कुछ है ही, ठीक है, ऐसा कोई करेगा क्या? आपको लगता है कोई संसद जाके दूसरे संसद को जाकर अंदर में जाके चाकू मार देगा, ऐसा लगता है क्या? संसद ऐसा काम कर सर सकता है क्या? एक हाँ हुआ ना सर, सर राज्यसभा में जाके मिसाइल छोड़ दिया कौन, हाल ही में मिसाइल छोड़ दिया, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी, चलिए आगे मिसाइल नहीं चलते। सर, सर क्या बोलता है ऐसा अरे क्या वो कोई किया था? उस संसद के कार्यवाही देखने वाला था, उसने ऐसा गलती किया, संसद सदस्य थोड़ी ना था, उसके ऊपर तो पोटा वोटा जो भी लगाना चाहिए आतंकवादी एक्ट उसके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है, तो वो तो कोई आम आदमी था, उसका छोड़िए ना उसका। हालांकि आप देखिए संसद का विशेषाधिकार क्या होता है, कार्यवाही चलाने का अधिकार होता है, बहुत सारे कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार होता है, प्रकाशन को रोकने का अधिकार होता है, ठीक है, कभी कभी देखिएगा, कभी कभी कोई अभद्र बात बोल दिया जाता है तो संसद क्या कहते थे, इसको मतलब रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए, क्या किया जाता है, इसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो कोई ऐसा बात अगर बोल देंगे जो कि अपमानजनक है तो संसद उसको क्या कहती है, इसको रिकॉर्ड से मतलब क्या करे, निकाल दिया जाए, ठीक है, तो कार्यवाही चलाने का अधिकार है संसद का, विशेषाधिकार बहस भी करने का अधिकार, कार्यवाही के प्रकाशन का, अप्रकाशन को रोकने का भी अधिकार है, ठीक है, संसद का विशेषाधिकार की बात करेंगे तो 105 में, ठीक है। चलिए बात करेंगे बाहरी व्यक्तियों के सदन से बाहर निकालने का अधिकार, में संसद के दोनों सदनों का अधिकार, वे अपनी किसी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित भी कर सकते हैं, मतलब समझते, गुप्त सत्र क्या होता है, मतलब किसी भी बाहर के व्यक्ति को या फिर मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, सारे के सारे संसद के क्या है, नियमावली में है, ठीक है, मतलब संसद के गुप्त सत्र का भी मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तो आपको चलाने का अधिकार है, ये भी संसद के पास अधिकार है, ठीक है, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति को, मतलब अभी हाल फिलहाल में किया ना, सभी कुछ किया ना, जैसे संसद में जो घुस गया तो उसके बाद बोला कि किसी भी लोगों को, ठीक है, संसद की कार्य प्रणाली में शामिल होने के लिए फिलहाल किसी भी पर्सन को क्या किया जाएगा, अनुमति नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भी आप लोगों ने देखा, उसे दो लोग जो थे घुस गए थे और संसद की कार्यवाही देखने के लिए ही आए थे, और उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में उनको बंद कर, मतलब अभी जी रोक दिया गया, ऐसे नहीं किसी को अलाउ किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे गिरफ्तारी के मामले, जो बात आप बता रहे थे 40 दिन 40 दिन गिरफ्तारी, सिविल वाला क्रिमिनल वाला यहाँ पे लागू होता है, ठीक है, संसद के सदस्यों के संसद सत्र के दौरान, ठीक है, 40 दिन पहले भी 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाए, विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामले से जुड़ी गिरफ्तारियों तक ही सीमित, ठीक है, यहाँ पे क्रिमिनल का लागू नहीं होता, आप उसको संसद के सदन से जोड़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है जो कि मतलब संसद के सत्र से संबंधित है, ठीक है, कोई सत्र शुरू होने वाला है तो 40 दिन पहले भी गिरफ्तार नहीं करेगा, 40 दिन बाद में भी गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल चार्जेस हो गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे कि शहाबुद्दीन के केस में हो रहा, शहाबुद्दीन संसद से बाहर निकला और दिल्ली पुलिस वेलकम कर रही थी, ठीक है, जैसे सत्र समाप्त हुआ शहाबुद्दीन को उठा ले गया, ठीक है। चलिए सर, सर एक सर आप क्वेश्चन है सर, एक सर, सर एमपी ने ले जाता है सामूहिक के व्यक्तिगत को वहां पर, सर एमपी के अथी तहत में वहां पर जाता है संसद में, पहले तो आपके हमको भाषा नहीं समझ में आती, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या एमपी ले जाता, मतलब नहीं समझे। सर वहां पे जो संसद में चल रहा है कार्यवाही, ऊपर में बैठे सामूहिक व्यक्ति रहता है तो एमपी के तहत में वो लोग जाते हैं, आप कह रहे हैं उसको पास एमपी देता है, बिल्कुल पास एमपी के तहत ही उस इशू होता है, तो क्या हो गया उसमें, कोई कोई एमपी किसी को पास देगा तो क्या उल्टा सीधा नहीं कर सकता है, क्या नहीं ये कर पूछ रहा सकता है है, सर। किसी का चेहरा पे लिखा हुआ रहता है पास देने के बाद गलत उपयोग करेगा कि सही उपयोग करेगा, कोई चेहरा पे थोड़ी लिखा हुआ, पास जारी कर सकता है कोई भी कर सकता है, वो अंदर में जाके क्या करेगा उसके लिए, ठीक है एमपी ने किया, थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो भाई आप ऐसे व्यक्ति को क्यों पास दे दिया जिनके बारे में आप जानते नहीं थे, ठीक
ठीक है, इसमें बहुत सारे निकल कर हाल एमपी के द्वारा ही पास मतलब जारी होता है, ठीक है, ऐसे कोई सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए, जी जी संसद सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गवाह के रूप में नहीं उपस्थित हो सकता है। संसद के भीतर वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, संसद के बाहर संसद सदस्य की साधारण नागरिक को ही समान है, संसद सदस्य भी बाहर में, ठीक है, जैसे संसद के बाहर आ जाएंगे वो भी एक साधारण नागरिक ही हो जाएंगे, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि संसद के तहत उनको मिल रही है वो सारी चीजें से यहाँ पे उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब संसद की समिति से बहुत सारे प्रश्न बनता है, आज की आखिरी क्वेश्चन, आखिरी मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, संसद की समिति, संसद की समिति को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इससे कुछ चीजें समझ निकल कर आती है, इसको जरा समझिएगा। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक होता अस्थायी होती है जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, एक होता अस्थायी होता है जिसको होता एडहॉक कमेटी कहते हैं, जो कि एडहॉक क्या होता है, तो अस्थायी होता है या फिर तटस्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडहॉक से आप लोग बार बार सुनते होंगे, एडहॉक जज के बारे में सुनते होंगे, ठीक है, एडहॉक जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है देवी और सचमो, एडहॉक जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संसद के संसद के द्वारा, बहुत सुंदर, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। जब सही प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर किसी का नहीं आता है, ठीक है, समझिए, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। एडहॉक जज की नियुक्ति कब की जाएगी, एडहॉक जज की नियुक्ति कब की जाएगी, ठीक है, वैसे कंडीशन में किया जाएगा जब कार्य की क्षमता अधिक हो जाएगी, ठीक है, कार्य की क्षमता, सॉरी, कार्य अधिक बढ़ गया लेकिन जजों की संख्या की कमी है, तो ऐसे के राष्ट्रपति एडहॉक जज की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे की चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है, आगे क्या, कौन सा प्रश्न है तो देखेंगे यहाँ पे। तो दो तरह के संसदीय समिति, एक होता अस्थायी होती है जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, एक होता अस्थायी होता है जिसको तटस्थ समिति एडहॉक कमेटी कहते हैं, ठीक है। अब अस्थायी समिति क्या होती है, तो अस्थायी समिति वैसे समिति होती है जो कि हमेशा अस्तित्व में रहती है, ठीक है, हमेशा रहेगी अस्तित्व में, ठीक है, जिनमें जिनका चयन, सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय के अनुसार किया, जैसे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, कैसी समिति है, स्थाई लोक समिति लेखा समिति, प्राकलन समिति, कैसी समिति, अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति क्या होता है, अस्थायी समिति जो होता है कुछ समय के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए बनाया जाता है, बाद में वो खत्म हो जाता है, जैसे उसका काम पूरा होता है वो समिति भी मतलब क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लोगों, सर ऐसा समिति कौन है, तो अस्थायी या तटस्थ समिति वे समिति जो विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है तथा प्रयोजन पूरा होने के बाद उनका अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। सर दो प्रकार की जांच, एक जांच समिति या फिर सलाहकार समिति। अब बोल करेंगे संसद के एक जांच समिति बनाई जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर मतलब क्या करना है, जांच वगैरह करना है, तो संसद का एक टीम बना दिया जाएगा, 20 सदस्यों वाली, 10 सदस्यों जितनी भी लंबी रहे, ठीक है, उस मुद्दे पर विशेष केवल जांच करेगी, सीबीएसई क्या बिपिन रावत, हाँ बिल्कुल, हाँ कोई भी मामला पे बन सकता है, ठीक है, सीरियस बिपिन रावत जी का एक्सेंट है उसमें भी बन सकता है, किसी भी मामला पे बन सकता है, या फिर कोई कोई ऐसा ही इंपोर्टेंट, जैसे मान लो भारत में आईटी रूल लाना, भारत में आईटी रूल डाटा से संबंधित है, क्या उस पर एडवाइस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करने के लिए, ठीक है, सरकार को सलाह देने के लिए या फिर संसद के, ठीक है, सलाह देने के लिए सलाहकार समिति भी बनाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति फिक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर साल मतलब चयन किया जाएगा, निर्धारित समय के अनुसार इसका किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संसद की दो समिति, एक अस्थायी या फिर अस्थायी, ठीक है, अस्थायी समिति कुछ समय के लिए, जैसे उसका उद्देश्य पूरा होगा, रिपोर्ट सौंपेगी, काम पूरा होगा, समिति का भी काम समाप्त, ठीक है। अब एक संसद की प्रमुख अस्थायी समिति भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग को इसके बारे में नहीं, पब्लिक अकाउंट कमिटी जिसको क्या बोलता है, लोक लेखा समिति, क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति, ठीक है, क्या होता है, तो यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति, अगर पूछेगा सबसे पुरानी वित्तीय समिति क्या है तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी आपकी वित्तीय समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं देवियों सज्जनों, कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा से कितने आते हैं, क्या बताएंगे, राज्यसभा से कितने आते हैं, 7 आते हैं, राज्यसभा से 7 आते हैं, तो लोकसभा से कितने आते हैं, क्या बताएंगे, सीटी का आवाज जहां से आ रही है बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान में रखना है, क्या लगता है, दाल का सिटी था कि चावल का था, चावल का लग रहा था, हाँ ठीक है, सर चावल बना रहे हैं सर। बताए दाल का रहता है ना, थोड़ा सा रुक रुक के आता है, ठीक है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें 12-15 लोकसभा से होते हैं, 7 मतलब क्या होता है, राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 1967 में देवी सदन एक परंपरा प्रारंभ हुई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और प्रारंभ हुई परंपरा के अंतर्गत इसकी अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होगा विपक्षी दल से चुना होगा। 1967 में एक महिला थी जिनका नाम था मीनू जी, क्या नाम थे, मीनू मसानी, ठीक है,
मीनू मसानी का उदाहरण अगर देखेंगे तो बिहार में एक पार्टी स्थापित की गई थी जिनका नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी थे। क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम थे 1934 वाली? क्या नाम था उस पार्टी का? सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट थे ना। हाँ ठीक है, उनमें मीनू मसानी की प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक है, तो 1967 में एक परंपरा शुरू हुई। उस परंपरा के अनुसार जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी होता है। तो वर्तमान स्वरूप में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? खड़गे था ना। कौन था? अभी सही प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है, लेकिन मारपीट करना अपराध है, ये पता है आपको? अधीर रंजन चौधरी है क्या सर? बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, चलिए, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। इस समिति को प्राकलन समिति का जुड़वा ट्विन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति का क्या होता है? तो कैग जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है उसके प्रतिवेदन की जांच करती है। अब देखें, कैग का रिपोर्ट किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट कैग का रिपोर्ट के राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति क्या उसको रख के उसका क्या फोटो खींचते हैं, आरती उतारते संसद हैं? में पेश राष्ट्रपति जी उसको करते क्या हैं। करेंगे? संसद को देंगे। संसद के कहाँ पे रखवाएंगे? संसद को पटल पे रखवाएंगे। तो संसद के पटल पे रखवाएंगे तो संसद क्या करेगी? उसको जाके बॉक्स में डाल देगी कि संसद भी उसे कोई काम करेगी? क्या मुझसे काम करेगी करेगी संसद? संसद जाके लोक लेखा समिति को दे देगी। आप बोलोगे सर लोक लेखा समिति को क्या देगी, प्राकलन समिति को भी देना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे बात हो रही है संसद का। संसद के कितने अंग? संसद के 3 करण अर्जुन। ठीक है, 2 नहीं 3। संसद का 1 करण अर्जुन राष्ट्रपति है। तो ऑलरेडी कैग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दिया, राष्ट्रपति ने देख लिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति बोले कि संसद को भी देखो। तो संसद वैसे समिति को देगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहभागिता होगी। ठीक है, ऐसा समिति कौन है? लोक लेखा समिति। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? संसद में लोकसभा को अलग भेजना पड़ेगा, राज्यसभा को अलग भेजना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति बहुत, संसद क्या होता है, बहुत चालाक होता है। संसद बोलता है अलग अलग काम नहीं करना है, ऐसे समिति को दो जहाँ पे लोकसभा का भी सदस्य राज्यसभा के सदस्य, ताकि वहीं से सारी चीजें क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, तो किसे दे देती है? लोक लेखा समिति जो होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, उसके बाद लोक लेखा समिति फिर किसे सौंप देती है? प्राकलन समिति फिर उसी को देती है, संसद को ही दे देती है। ठीक को है, संसद को ही दे देती है, बोलती है आप, आपको जो करना है हमने देखने के लिए, आप करो। ठीक है, इसके हिसाब से आगे का प्लान वगैरह बनता है। फिर बहुत सारे एजेंसी वगैरह के पास जाता है, योजना आयोग, विकास परिषद, जो होता है सब उस पर विचार वगैरह करती है। लेकिन प्रक्रिया क्या है, यही है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने इसलिए समझाया आपको संसद के, इसलिए लोक लेखा समिति के पास क्यों जाएगा, कभी कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा भाई साहब इसलिए जाता है क्योंकि संसद को सौंपने की परंपरा है। और संसद का एक ही ऐसा समिति है जहाँ पे, मतलब लोक लेखा समिति है, जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए, प्राकलन समिति की बात करें तो 1950 में एस्टीमेट कमेटी की गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। और लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो जहां तक मुझे ध्यान है ये सर 1919-20 में ही आ गई थी। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, 1919-20 के ही मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट के समय ही आई थी लोक लेखा समिति। ठीक है, प्राकलन समिति की बात करें, आजादी के बाद आते एस्टीमेट कमेटी क्या है, इसमें क्या, इसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी खराब बात क्या है, इसमें केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, इनके इसके कार्यों का वार्षिक अनुदान की जांच करना, अतिरिक्त में पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि करना था। इसे अस्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक हो गया लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का प्राकलन समिति आपस में क्या है, जुड़वा बहन बहने हैं आपस में, क्या है आपस में, तो आपस में ध्यान रखिएगा, बहने हैं। ठीक है, अब आते हैं लोक उपक्रम समिति। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 सदस्य होते हैं तथा 15+7 वही रेशियो होता है। यह लोक उपक्रम को लेखो रिपोर्टर, लोक उपक्रम को समझ में कैग रिपोर्टर की जांच ये भी करती है। इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। लोक उपक्रम समिति दैनिक प्रशासन है, लोक उपक्रम। लोक लेखा समिति का गठन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था। तो वही मैंने बताया था 1919 में ही, मुझे कुछ याद आ रहा था। ठीक है, 1921 में हुआ था ना, लेकिन 1919 वाला अधिनियम में ही लोक लेखा समिति था, तो वो तो मुझे याद था, और साल बाद में आया वो याद नहीं था। ठीक है, तो लोक उपक्रम समिति की बात करेंगे, 1964 में आई थी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, इसमें भी 15+7 वही का रेशियो होता है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये भी मतलब कैग के रिपोर्ट को ये भी जांच कर सकती है क्योंकि इसमें भी 22+15 वही सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो इसमें चुने जाएंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें चुने जाएंगे उसमें नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक समिति का मतलब दो दो तीन तीन मेंबर हो सकता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है।
तो सर आप एक बात और करें लोक विभाग। बहन बोला गया है, प्रकलन और लोक लेखा समिति का, तो जो 15 सदस्य है आपका ये लोकसभा का, इसका 30 सदस्य, तो दोनों सेम रहेंगे 15 15, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अलग अलग, ठीक है, सेम इंडिविजुअल नहीं रहता, रहेंगे। ठीक है। विभागीय समिति की बात करेंगे, डिपार्टमेंट कमेटी की बात करें, 1993 बनी थी, वर्तमान में ऐसी 16 समितियां हैं, ठीक है। विभागीय समिति नहीं प्रश्न पूछा जाता, बन जाएंगी 16 समितियां, 8 राज्यसभा के अधीन है, 16 समितियां लोकसभा एवं 8 राज्यसभा के अधीन है कार्यरत है, जिसके अध्यक्षों की नियुक्ति क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति करें, जिनका मुख्य कार्य मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है एवं उन पर रिपोर्ट देना है, ठीक है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21+10 का रेशियो होता है, ठीक है, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति चुनते हैं। ये विभागीय समिति क्या हो गया, मान लिया रेल मंत्रालय बोला से इस पर मेरे को 34,000 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, सारा रेलवे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक से चलवाना है, ठीक है। अब मोदी जी के पास भी, सरकार के पास इतना समय तो नहीं, इसी में तो जांच करेगी कि क्या 34,000 करोड़ रुपया मांगा गया क्या सही है क्या, ठीक है। इसके लिए एक विभागीय समिति बना दी जाएगी, ठीक है, विभागीय समिति बनाई जाएगी, ऐसा समिति 16 समिति ऐसा लोकसभा के पास है, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रतिवेदन की जांच करेगी। 8 समिति किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे, ठीक है, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे, ठीक है, 31 में 21 लोकसभा से आएंगे, 10 मतलब क्या होंगे, राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेंगे लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति करेंगे जो कि वीसी होते हैं, ठीक है, सॉरी वीपी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि मुख्यतः मंत्रालयों के द्वारा मांगे गए अनुदानों की मतलब क्या करती है, जांच करती है। विभागीय समिति की स्थापना 1993 में, ठीक है, उपक्रम समिति 1964 में, लोक उपक्रम प्राकलन 1950 में, ठीक है, लोक लेखा समिति जैसा कि आपने 1919 के एक्ट में, बिल्कुल सर, 1931 में स्थापित किया गया था, आप इसको भी ध्यान में रखें। सबसे पुरानी की बात करेंगे यही है, सबसे पुरानी कौन है, तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। कभी कभी सर एक लोक होता लेखा समिति का या प्राकलन समिति का कार्यकाल पूछ देता है, कितने एक दिन साल का? होता है ना, एक साल ही होता है ना इसका कार्यकाल, सर वो, हाँ 1 ईयर, सही। हाँ। परामर्शदात्री समिति की बात की, ये विभिन्न मंत्रालयों के संबंधित है, मंत्री या राज्य मंत्री इनका अध्यक्ष होता है, ये तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होते, परामर्शदात्री समिति, ठीक है, ध्यान में एक रखेंगे। सेकंड, एक होता कार, जो एक साल किसका कार्यकाल होता है, तो हर हर साल में चेंज होता होगा सदस्य, की वही सदस्य रहता होगा? समिति का सदस्य हर साल में बदल सकता है, वो भी रह सकता है, वो भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक ठीक है, है, बदलता है, आई थिंक बदलता है, वो शायद कंटिन्यू भी करता है, कुछ कंटिन्यू कर सकता है, कुछ बदल भी सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा से उस सब। ये देखिए जो भी समिति जो बनेगी ना, वो मतलब देखिएगा जिसमें ये लोक लेखा समिति, राज्य ऐसे क्या बोलते हैं, लोकसभा के इस सबका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है, बाकी दोनों समिति के अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, दोनों समिति के अध्यक्ष, दोनों सभा के, लोकसभा राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, वही इन सब चीजों को तय करते हैं, ठीक है। कार्यमंत्रणा समिति की बात करें, इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है, ये दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। लोकसभा की समिति 15 व राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं कार्यमंत्रणा समिति को, ठीक है। तो कार्यमंत्रणा समिति की, इसका कार्य सदन की कार्यवाही किस हिसाब से चलेगी नहीं चलेगी, नियम बनाने का, रूटीन बनाने का जिम्मा इनका होता है, ठीक है, और ये मतलब इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो कार्य जो कौन चले, जो सदन के जो मतलब हेड होंगे वही सीट रहेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की समिति में 15 व राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे विशेषाधिकार क्या होता है, आप कल पढ़ेंगे विशेषाधिकार, आजकल पढ़ा दे रहा हूँ। इसका कार्य किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन की जांच करना है, इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ठीक है, न्यायिक प्रकृति के नहीं होता, सजा नहीं दे सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, किसी ने किया है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि उसको जाके बाहर में जाके जेल में बंद कर देंगे, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति, ठीक है, पृथक पृथक सदस्य होते हैं, 15 और 10 10 होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, विभागीय समिति में किसी मंत्री का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी मंत्री का सदस्य नहीं बना, अगर किसी से मंत्री का सदस्य अगर कोई मंत्री अगर इसका सदस्य अगर बनेगा, ठीक है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। कौन कौन, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपकरण समिति, विभागीय समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, और किसी सदस्य के मंत्री बनने पर, ठीक है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, मतलब लोक लेखा समिति को चुन लिया गया, ठीक है, कोई संसद चुना गया, ठीक है, और वो जाके आगे चल के मंत्री बन जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही मतलब क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें किसी मंत्री का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। एक और भी समिति होता है जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, इथिक कमेटी, कौन होता है,
एथिक कमेटी मतलब लोकसभा के कार्य प्रणाली, विशेषाधिकार बहुत सारा, लेकिन आप उसके विशेषाधिकार के गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे। अभी एक चर्चा हुआ था कैश फॉर वोट, क्या था यार, क्या था कैश फॉर क्वेश्चन की, क्या था महुआ मोतरा जिसमें फंसी थी ना महुआ मोतरा, मतलब पैसा लेके मतलब क्या कर रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, ठीक है महुआ मोतरा, ठीक है। इसके लिए इथिक कमेटी, कौन सी कमेटी है, इथिक कमेटी ने जांच किया और इसमें साबित हो गया, इसलिए इथिक कमेटी के जांच के बाद, ठीक है, लोकसभा के, ठीक है, अध्यक्ष ने मतलब क्या किया, महिया मोत्रा की, ठीक है, सदस्यता को मतलब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया है, ठीक है। इथिक कमेटी भी है, और भी कुछ कुछ कमेटी होती है, लेकिन हम लोग को जितना बता दिए उतना किसी एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्पष्ट ये तो इनफ है बात जितना है। समिति बताया हो, लोक लेखा और प्राकलन से इस समय पूछते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बताइए प्राकलन समिति भी कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं, 30 होता तीस है, होते हैं, 30 होते 30 हैं। तो लोक लेखा लोकसभा से समिति होते में हैं, कितने होते हैं, 22 22 एक में लोक लेखा समिति किया गया था गठन 1919 1919 में, के एट इक्कीस में, में ठीक है, प्राकलन, हाँ 21 में गठन किया गया था, एक्ट की बात 1919 का। प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था, 1950 क्या 50 के प्रतिवेदन की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति या फिर प्राकलन समिति, लोक लोक लेखा लोक लेखा समिति बात कर, लोक लेखा समिति के ही तहत, ठीक है, 22 सदस्य किसमें होते हैं, जिसमें 15+7 सेम रेशियो लोक होता है, लेखा क्या पब्लिक होता है, किसमें अकाउंट, होता है, जी सर लोकसभा 7 इसी होता लोक है, लेखा में, अच्छा लोक लेखा में तो कहेगा, और भी लोक उपक्रम समिति, ठीक है, लोक उपक्रम समिति में भी वो भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा, ये भी कैग की रिपोर्ट का ये भी जांच कर सकते हैं, लोक उपक्रम समिति भी जांच कर सकती है, ठीक है। तो आई होप मैंने जो चीजें आपको बताई, कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी, कुछ टर्मोलॉजी थी, जिनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एज ए मतलब एक गुड सिटीजन होने के नाते, ठीक है, भारतीय संविधान के संसद की प्रणाली को आपको जानने का अधिकार है और इसे सीखना भी चाहिए, ठीक है। अगर सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोरिंग लगे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 152 से लेकर 237 तक राज्य के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासेस मेरी कॉन्सेप्ट होती है, डिटेल्स में होती है, एमसीक्यू नहीं करवाता और विश्वास भी इसमें नहीं रखता हूँ, एमसीक्यू कोई भी करवा सकता है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी करवा सके, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछना रहता है, सामने उत्तर दिया रहता है, ठीक है, उसमें काउंटर क्वेश्चन भी नहीं होता है। हम जो भी क्लास कराएंगे बहुत डिटेल्स में कराएंगे, बहुत समझा के कराएंगे, चाहे हम इफेक्टिव किताब भी पढ़ाएंगे तो भी क्लासेस डिटेल्स में ही होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, ठीक है। एमसीक्यू तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरे पास आने का 2 घंटा समय देने का क्या जरूरत है, ठीक है। अगर एमसीक्यू के लिए अगर वीसी वगैरह पे आते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि समय कील होता है। एमसीक्यू अगर आप 10 मिनट, अगर ये आधा घंटा अगर वीसी में देंगे ना, तो मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन आधा घंटा में आप कम से 200 एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए एमसीक्यू के लिए वीसी पे आते हैं तो उस समय आइए जब आप क्या है, जब काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है आपके, बस काम कर रहे, खाना बना रहे, बाहर घूम रहे, रोड पे है, क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे कंडीशन में एमसीक्यू क्वेश्चन के